विदिशा सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस लाइन के नजदीक कुछ लोगों में आपसी विवाद चल रहा था, जिसे सुलझाने के लिए सिविल लाइन थाना टिहाई शाहबाज खान के साथ अन्य पुलिसकर्मी पहुंचे, विवाद को रोकने का प्रयास किया। इसी बीच एक पक्ष के एक युवक द्वारा सिविल लाइन पुलिस के अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उसे थप्पड़ मारा गया। उसके बाद सिविल लाइन थाना में मारपीट करने वाले और पुलिस पर हाथ उठाने वाले युवक और उसके साथी को मेडिकल के लिए जांच के लिए भेजा गया। घटनाक्रम को लेकर एसपी दीपक शुक्ला ने कहा कि यह गंभीर विषय है, दोनों युवक नशे में लग रहे हैं, मेडिकल जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसमें देखिए दो लड़के हैं जो कि संभवतः नशे में हैं, उनका भी हम लोग मेडिकल करा रहे हैं और ये वहाँ पे स्थानीय स्तर पे किसी से विवाद कर रहे थे। वहाँ पे पुलिस टीम पहुँची, उसके साथ भी कुछ उन्होंने अभद्रता की है, जिसका कि जैसा आपने बताया वो मेरे भी संज्ञान में आया है। अभी हम इसमें पुलिस की तरफ से भी और जो आम जनता जिनसे इनका झगड़ा हो रहा था, दोनों तरफ से FIR दर्ज कर रहे हैं और जो भी इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है इनके खिलाफ करेंगे। साथ ही जैसा इनका अभी मेडिकल परीक्षण और अन्य चीज़ें प्रक्रिया में है। नहीं देखिए, जो भी ऐसा कृत्य करता है, आपसी झगड़ा करता है या कोई इस तरह का कृत्य में इन्वॉल्व होता है, उसके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। पूर्व में भी की गई है और लगातार इस पर हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो ऐसे लोग हैं ये इस तरह से कोई ऐसी वारदात या माहौल खराब करने जैसी स्थिति ना बनाने पाए और प्रभावी कानूनी कार्रवाई इन पर हो। नहीं देखिए, जैसा आप लोगों ने देखा होगा पिछले 3-4 महीनों में बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ NDPS की हुई हैं। अभी हमने हाल 3-4 दिन पहले भी लगातार NDPS की कार्रवाइयाँ भी और हमने 34-2 जो कि अवैध शराब का परिवहन होता है उसके खिलाफ भी, चूँकि आगामी समय में चुनाव है उसको लेते हुए भी लगातार हम लोग ड्रग्स के विरुद्ध और एक्साइज की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो ये कार्रवाइयाँ हमने पिछले 3-4 महीने में लगातार की हैं, चाहे हमारा हेडक्वार्टर हो, चाहे बसौदा हो या अन्य कस्बे हो, और आगे भी हम लगातार इस पर जो भी हमारा आसूचना का सिस्टम है, इंटेलिजेंस का सिस्टम है, उसको एक्टिव करेंगे और इस पर प्रभावी कार्रवाई और प्रभावी नियंत्रण का पूरा प्रयास रहेगा हमारा।